नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी कुलदीप कुमार मेघवाल। आज हम मेघवाल या मेघवंश के एक ऐतिहासिक राजवंश हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन समय में कि वृहत्तर भारत में वर्तमान राजस्थान के मध्य देश का भाग था। मौर्य के साथ पर्वती कुषाणों के इतिहास की जानकारी सर्वविदित है, लेकिन शासन संपूर्ण भारत में नहीं था। कुषाणों के पश्चात गुप्त वंशों का उदय हुआ और कुषाणों और गुप्त वंशों के बीच के जो समय था उसे भारतीय इतिहास अंधकार का इतिहास के नाम से जाना जाता है। और इस अवधि की ऐतिहासिक सामग्री का इतना अभाव कि यह कहना असंभव है कि इस अंतराल में भारत में कितने राज्य थे, वह कौन कौन से राजवंश थे, उन्होंने इस अवधि में राज्य किया। समित के शब्दों में कहें, कुषाण व आंध्र राजवंशों के नाश 220 से 230 ईस्वी के लगभग साम्राज्य भोगी गुप्त राजवंश का उत्थान के बीच का जो समय है, 100 वर्षों के बाद भारतवर्ष के इतिहास का यह काल बिल्कुल सादा और अलिखित रहा है। इस संबंध में कुछ सामग्री उपलब्ध है और इसका विश्लेषण तथा विवेचन नहीं हुआ है। मेघवाल या मेघवंश एक ऐतिहासिक राजवंश है। विषण समित ने भारत के इतिहास के सिंह अवलोकन करते हुए समय इस काल का फ्लिट और कॉल हॉर्न्स के अनुकरण करते हुए बिल्कुल छोड़ दिया है और कुछ इतिहासकारों ने इस समय को सामग्री को विश्लेषण करने का प्रयास किया है, जिससे इस अवधि में वाकाटक भारिशों तथा मेघवंश आदि राजवंश का उजागर हुआ, जिसमें वाकाटकों के समय कौशल का एक इस प्रकार के 9 शासक पैदा हुए। ये लोग मेघ कहलाते थे और मेघों के शासन की सत्ता मध्य देश में रही है और यह अब तक प्राप्त ऐतिहासिक सामग्री के अन्वेषणों से स्पष्ट है कि उनकी सत्ता की ध्रुव को संविधान और प्राचीन समय में कौशल प्रदेश में आती है और इसकी सत्ता का विस्तार हुआ है। अपनी 7 या 9 पीढ़ियों के कारण लोग मिलते हैं विधय शक्ति के समय, जब आंध्र पर विजय प्राप्त हुई तो उससे पहले भारशियों के समय जा पहुँचता और विष्णु पुराण के अनुसार कौशला प्रदेश के 7 विभाग सप्तकौशला पुराणों के में कहा गया कि शासक बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान थे। ये गुप्त के समय में मेघ लोगों में फिर कौशंबी के शासकों या गवर्नर्स के रूप में मिले। उनके 2 शिलालेख कौशंबी का शासन करते सर्वांग 7 कुषाण मेघों का स्थान हुए। मेघ वंश का पुरातत्व साक्ष्य, मेघ राजवंश का एक ऐतिहासिकता निर्विवाद अपनी बन चुकी हैं। इस राजवंश का उदित करने वाले कई शिलालेख व मुद्राएं प्राप्त हो चुकी हैं, जिससे न्यूनाधिक शोध कार्य हो रहे हैं, जिससे संस्कृति तथा पुरातत्व विभाग के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एनन ने साथियों कौशंबी के अध्ययन और विश्लेषण का उल्लेख किया, जिसे प्रोफेसर अनंत सदाशिव अतेलकर ने 1943 में इस राजवंश को संबोधित करने का सिखों का प्रकाशन था जनरल न्यूमेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया में किया तथा 8 राजवंशों को संबोधित करते हुए मुद्रा पर 1979 में प्रोफेसर अजय मिश्रा शास्त्री ने गणवेशनात्मक प्रकाश कार्य किया आ चुका है। इसके साथ ही कौशंबी घोषिताराम विहार की खुदाई के में मूर्तियों तथा अभिलेखन के गणवेशनाएँ हो चुकी हैं और इन सब से ये सुस्पष्ट होता है कि एक ऐतिहासिक राजवंश था
जिन स्थानों पर सर्वेक्षण तथा सत्यानंद शोध से ये स्थान प्रकाश में लाए गए हैं वो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी, बिटा, गजफतेहपुर तथा मध्य प्रदेश में संबंधित बद्धोगढ़ा हैं। मौद्रिक साक्ष्यों तथा अभिलेखों तथा साक्ष्यों का विश्लेषण करते हुए मिरारी ने ऐसा राजस्थापना की कि मेघों के शासनकाल सत्ता तथा आधुनिक मध्य प्रदेश के बद्धोगढ़ तक फैला हुआ इस अधिकांश भाग वेदी मंडल सम्मिलित हैं थे और इनकी राजधानी कौशाम्बी के प्रतिष्ठित थे और इस जनपद होने के कारण सुयोग से प्राप्त शासकों ने अधिकांश मुद्राएं प्रचुर मात्रा में संख्या में अभिलेखों में सर्वेक्षण की गई हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मेघवंश मेघवालों का पुरातात्विक इतिहास में साक्ष्य हैं और उनका मेघवालों का या मेघवाल्स का एक ऐतिहासिक राजवंश था जिसका प्राचीन समय में उल्लेख है। आपका साथी कुलदीप कुमार मेघवाल, बहुत बहुत धन्यवाद।